Hey guys, Assalamualaikum. Once again, welcome back to my YouTube channel. तो आज सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम मुझे ये करने को मिला कि मैंने सुना कि मारुति सुजुकी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं जो म्यूजिक सिस्टम है उसका अपडेट आया हुआ है, तो उसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमें यहाँ से दो तरीके हैं अपडेट करने के, मगर मैं इजीएस्ट वे बताऊंगा कैसे अपडेट करना है, क्योंकि मैं खुद भी अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है। गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ना हमें यूएसबी लगा हुआ है गाड़ी में, यूएसबी निकाल दिया। उसके बाद पहले तो म्यूट बेबी को इन सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है वे सिस्टम इन्फो एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। जो इसका ये वर्जन का फोटो नहीं है, इसका हमें फोटो ले लेना है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पे एक बार जाएंगे। ओके नॉट रेडी, कैंसिल। इसका फोटो ले लेना है हमें, जो ईजीएस्ट वे में वो बताऊंगा। उसके बाद उस बैग जाना है होम में, और अपना की उठाना है, अपना पेन ड्राइव भी उठाना है, गाड़ी बंद कर देना है और बाहर जाना है। इस बारी का जो अपडेट आया है ना, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारा एंड्रॉयड ऑटो है प्लस iOS का जो आता है वो ना विदाउट किसके, विदाउट जो केबल है उसके चलेगा। हमें अब केबल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो पहले केबल का ज़रूरत पड़ता था, अब हमें केबल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जाते हैं ऊपर, ब्रोकर नंबर नहीं खींचते, मैं दिखाता हूँ अच्छे से क्या होगा क्या नहीं होगा। खोलता हूँ मैं लैपटॉप और लैपटॉप में जाके इसका फाइल डाउनलोड करता हूँ मैं, उसके बाद इसमें डाल के फिर वहाँ वो डालना, फिर वो अपडेट हो जाएगा। देन मिलते हैं आपके साथ सीधा ऊपर। तो ग्लोबल इंफोटेनमेंट सिस्टम लिखना है। अब यहाँ देख सकते हो मेरे को लिखा कुछ और गया, मगर कोई नहीं। इस पर पहली वाली पे हमें क्लिक करना है, इसका जो पहले वाला आएगा देख सकते हो मारुति सुजुकी का ये पोर्टल खुल जाएगा पूरा। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर अपडेट। अपना मॉडल जो है ये देख लो, सिलेक्ट मॉडल कोड वो याद रखना, जैसे कि मेरा था, मैं भी देखता हूँ पहले मेरा कोड क्या था। वेट, क्लियर 660O। अब हमें यहाँ देखना है 660O कहाँ पे आएगा, आपका जो भी होगा वो वहाँ से देख लेना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कहाँ से देखना है वो 660O, इस पर क्लिक करना है। एंड देन इधर आ गया मेरा, देख लो 660O 05 वगैरह वगैरह जो भी है, मेरा पुराना वर्जन क्या है, नया क्या है, लेटेस्ट वर्जन 660O। गो टू द डाउनलोड पेज एंड देन देख लो फर्स्ट रिलीज वर्जन, फीचर अपग्रेड और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ दिखा रहा है। एंड देन स्टार्ट डाउनलोड, ये है टोटल हमारा 370 MB का, देख लो 1 आवर लेफ्ट दिखा रहा है। अभी डाउनलोड होता है, उसके बाद इसको हम डालेंगे अपनी पेन ड्राइव में एंड देन जाएंगे नीचे और फिर गाड़ी में इसे अपग्रेड करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ अब इसको कंप्लीट होने के बाद, तो स्टे ट्यून्ड। तो हो चुकी है हमारी फाइल डाउनलोड, देख सकते हो अपग्रेड फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ से इसको कट करना है एंड देन पीसी में जाना है। एक चीज़ याद रखना, जो आपकी पेन ड्राइव है वो 8 GB तक की होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, 8 GB की रिक्वायरमेंट तो नहीं है उतनी की, बस जो इसके अंदर जो जितना भी सामान है ना, मतलब इसको पहले कॉपी कर लेना, इसमें से निकाल लेना, इसमें कोई रखना नहीं, कुछ भी सामान इसमें रखना नहीं, तो आपको अपग्रेड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे यहाँ बना हुआ है एक ये फोल्डर, इधर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ LL के नाम से एंड देन इसको ओपन करता हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। मेरा पेन ड्राइव का जितना भी सामान है वो इधर रहेगा, इधर मतलब वो जब मैं अपडेट कर लूँगा अपना सिस्टम, देन आफ्टर दैट मैं फिर ये सारा शिफ्ट कर लूँगा दोबारा, मगर अभी फ़िलहाल मेरे को पेन ड्राइव खाली चाहिए, अभी मेरे पेन ड्राइव में कुछ नहीं होना चाहिए। और इसको यहाँ से माइनस करेंगे, देन बैग जाते हैं मिनिमाइज करके। अब हमें ढूंढना है हमारा जो अभी हमने डाउनलोड करा अपडेट वो किस जगह पे है, इधर ही आएगा स्टार्टिंग में अपडेट 660, यही है। इसको हमने यहाँ से कॉपी ही करेंगे, इसको भी कट कर लेना है और बैक जाके पेन ड्राइव में डाल देना है सीधे, कोई फोल्डर कोई कुछ नहीं बनाना है, सीधा इसको पेस्ट कर देना है। देख लो मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर पेन ड्राइव निकाल के गाड़ी में लगानी है। अब इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब हमारा हो चुका है सब डन, देख सकते हो हमारी पेन ड्राइव बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक इसमें अपग्रेड वाली फाइल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस पेन ड्राइव को हम यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले हमें पेन ड्राइव को इजिट करना पड़ेगा, इजिट,
और इसके बाद अब हमें ये पेन ड्राइव इजेक्ट होगी हमारी यहाँ से सेफली टू रिमूव, एंड देन अब हमें ये गाड़ी में लगानी है और गाड़ी में जाके अपडेट पे क्लिक करना है। अब आगे का प्रोसीजर मैं गाड़ी में चढ़ के आपको बताता हूँ, मिलते हैं गाड़ी में। हाँ जी, तो आ चुके हैं अभी गाड़ी में अपना पेन ड्राइव लेके, पूरे दिन चंडीगढ़ में थे, अभी थोड़ा फ्री हो गए, मतलब अभी घर पहुंचा। और सबसे पहले मैंने सबसे पहले अपडेट कर लेता हूं, जो अपडेट है ना उसे उसका वो फोल्डर के साथ डाउनलोड होगा, ठीक है? तो उसे फोल्डर से निकाल कर फिर मतलब पेस्ट कर देना सीधा ही पेन ड्राइव में, खाली वो मतलब फोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। खैर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, अब ये पेन ड्राइव के अंदर ये इजीएस्ट वे मतलब मैं बता रहा हूँ, एक और तरीका भी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा टफ है, थोड़ा काफी टाइम लग जाता है और वो कभी कभी होता भी नहीं है, ठीक है? तो मैं इजी वे बता रहा हूँ। ये आ गया अपना पेन ड्राइव, इसके अंदर है हमारा अपडेट और ये आ गया हमारा सिस्टम। सबसे पहले जब गाड़ी ऑन करोगे ना तो हमें पेन ड्राइव को इधर अंदर डालना है, देन इधर आ जाएगा, अभी देख लो खुद से आ जाएगा सब कुछ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बस पेन ड्राइव इज कनेक्टेड, उसका ऑप्शन आ जाए एक बारी। आजा देखो आ गया, USB इज कनेक्टेड, सॉफ्टवेयर वर्जन देखो, करंट वर्जन जो है हमारा वो है 66T0.04 और जो वर्जन अवेलेबल फॉर दिस डिवाइस, मतलब जो इसमें है और जो इस डिवाइस के लिए अवेलेबल है वो है 66T0.05। पार्क योर व्हीकल एट द सेफ लोकेशन वाइल क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली सी बात है सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो इसे हम कर देंगे यस। देन सॉफ्टवेयर अपडेट, डाउनलोडिंग इन प्रोसेस, डू नॉट डिसकनेक्ट योर USB अ मोबाइल डिवाइस। तो भाई लोग देख लो इसके बाद क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, मगर मेरे को ये पता है कि ये टाइम बहुत खाने वाला है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी जहाँ से भी मैंने सीखी ये चीज़, तो उन्होंने हर किसी ने ये चीज़ बताई कि ये चीज़ टाइम बहुत कंज्यूम करेगी। और गाड़ी को यहाँ से बंद मत करना गलती से, क्योंकि अगर आप बंद कर दोगे तो फिर वो भी आप ही के लिए प्रॉब्लम होगा। देख लो अब बहुत जल्दी हम बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं भाई लोग, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। कम से कम मैं सोच रहा हूँ कल से क्या इस व्लॉग के बाद से कंटिन्यूसली व्लॉग आएंगे, हर दो दिन के बाद एक व्लॉग डालूंगा मैं, कंटिन्यू तो नहीं डालूंगा, दो दिन के बाद एक डालूंगा। मगर अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है 2012 किलोमीटर, तो इस पे भी एक रिव्यू आने वाला है जो कि बहुत अच्छा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी उसे देखेंगे भी और पसंद करेंगे। और गाड़ी के अंदर कुछ कमियाँ जो खुद पर्सनली मैंने फेस करी, जो मुझे लगी कमियाँ, वो मैं भी बताऊँगा ज़रूर आने वाली वीडियोस में, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अब देख लो इधर आ रहा है, अब देखते हैं कुछ अगर नया हुआ दिखाने लायक दिखाऊंगा आपको मैं वो भी। ये दोबारा ऑफ हो गया, अभी दोबारा ऑन हो रहा है, मतलब ये सेकंड टाइम ये ऑफ हुआ और ऑन हो गया, देखते हैं अब क्या होता है आगे। मेरा बिल्कुल आपको तरीके से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, वो ना फिर डायरेक्ट वाला मसला हो जाता है, सीधा बताते हैं ये करो वो करो ऐसे करो, तो मुझे सीख नहीं होती है। तो मैं ना देख सकते हो सॉफ्टवेयर कंप्लीटेड, न्यू वर्जन एक बार अच्छे से देख लो, पहले था 6640 मगर 8:02 हो गए, कितना टाइम लगा था आप खुद से कर लेना, मगर टाइम बहुत लगा, मगर अभी दिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेटेड। खैर अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसमें अपडेट में इसमें क्या आया क्या नहीं आया वो दिखाता हूँ मैं, वेट। तो सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे ओके, देन वी हैव टू गो ऑन पेयर डिवाइस, इन सबको हमें अनपेयर करना है पहले, तो डिलीट इसको भी डिलीट करेंगे यस, एंड देन वी हैव टू डिलीट दिस वन ऑल्सो यस। इन दोनों को डिलीट करने के बाद जब ये वाला काम हो जाए तो फिर एक बारी यहाँ से हमें बटन दबा के ऑफ करना है, देख लो ये ऑफ हो चुका है, तो जब हमने ऑफ करा उसके बाद हमें दोबारा एक बारी इसे ऑन करना है, और ये ऑन हो चुका है मतलब इससे ना एक बारी ये बूट हो जाएगा पूरा। अब जब ये ऑन होगा, अभी मेरा देख लो थोड़ा सा हीटर भी लगा हुआ है, गाड़ी ऑफ है, इंजन की हवाई अंदर आ रही है, और पेन ड्राइव वगैरह का स्लॉट जो है वो खाली रखना, एम्प्टी रखना। देखो मैंने पेन ड्राइव जैसे कि निकाल के रखी है, दिख रही होगी ये पेन ड्राइव है, इसको निकाल के साइड पे रख लिया, और अब मेरे को कनेक्ट करना है इसे, जाना है पेयर डिवाइसेस पे, प्लस का आइकन क्लिक करा और इधर भी ब्लूटूथ ऑन करा मैंने, इसमें देख ही सकते हो आप भी कितने सारे ब्लूटूथ कनेक्टेड है, और फिर हमें जाना है यहाँ पेयर फ्रॉम फोन, पेयर नॉन डिस्कवरेबल, और रिफ्रेश पे एक बार क्लिक करना है, उमेश आईफोन 2 पे हमें क्लिक करना है, इसको हमें पेयर करना है यस, और इधर भी जितनी भी ये बताएगा सबको पेयर वाला जितना भी होगा ऑलो वगैरह सब कर देना, कुछ भी नहीं होगा। अब देख लो अब यहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शन, और ऑप्शन है कुछ इस तरह का कि उमेश आईफोन,
work with Apple CarPlay. Would you like to enable Apple CarPlay? अब यूज ब्लूटूथ ओनली में करूंगा तो मैं फिर ब्लूटूथ से सॉन्ग यहाँ लगा सकता हूँ, सिर्फ मैप वगैरह में नहीं देख सकता हूँ और ना ही मैं मतलब व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन वगैरह आपने देख सकता हूँ, काफी सारे फीचर्स में नहीं देख, स्पॉटिफाई नहीं चला सकता, वो सॉन्ग के लिए आएगा मतलब मैक्सिमम टाइम्स, मगर मैं वो चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि एक बार ब्लूटूथ से जब मैंने कनेक्ट करा फिर मेरे को अपना फोन रख देना है साइड पे, फोन मेरा है साइड पे, और फिर मुझे एप्पल कारप्ले पे क्लिक करना है, इधर यूज ब्लूटूथ पे नहीं करना, काफी सारे लोग यूज ब्लूटूथ पे करते हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट नहीं होता, तो इसके बाद हमें कनेक्ट करना है एप्पल कारप्ले पे क्लिक करना है। और देख दो कनेक्शन इन प्रोग्रेस, फोन लिंकेज, आफ्टर दैट हमारा फोन जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है और देख सकते हो वायरलेसली हुआ है, कोई ये नहीं है मैं एक आईफोन से शूट कर रहा हूँ और एक आईफोन मेरा ये पड़ा हुआ है, वायरलेसली है, ये मेरा वायर पड़ा हुआ है यहाँ पे जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको हल्का फुल्का सा, देख लो ये भी इधर डाल देता हूँ और ये अब कनेक्ट हो गया है, अब मैं आराम से जाके सॉन्ग्स वगैरह सुन सकता हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो डिस्टर्ब कर देते हैं आप सबको, मतलब वो चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं आती वो चीज़ें करनी तो वो फिर आपको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, तो और मैंने देखा एट द एंड उन्हें खुद वो आता नहीं है करना तो इसलिए वो आपको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अब मैं सॉन्ग वगैरह तो लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे इस फोन में सॉन्ग वगैरह कोई नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मगर स्पॉटिफाई वगैरह तो मेरा चल नहीं रहा, देखता हूँ अगर मेरे पास नॉन कॉपीराइट साउंड अगर कोई होगा फोन में पड़ा हुआ तो लगा देते हैं। हाँ ये देख लो चल गया, ये सॉन्ग फोन से चल रहा है तो इस कॉपीराइट ना पड़े इसलिए बैक ही जाएंगे एप्पल कारप्ले, देख लो ये साउंड वीडियो है इसलिए इसका आ नहीं रहा है, बाकी एप्पल कारप्ले पे हम वीडियो नहीं देख सकते, अगर आपको वीडियो देखनी तो आपको पड़ेगा सबसे पहले जो आपका पेन ड्राइव है पेन ड्राइव में वीडियोस डालना और फिर निकालना। और ये तो आ गया आईफोन के लिए, जो भी मेरे भाई यूजर हैं मतलब एंड्रॉयड यूजर है और वो भी करना चाहते हैं एप्पल कारप्ले यूज विदाउट केबल एंड ऑल, तो आपको सबसे पहले फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, उसका नाम आता है एंड्रॉयड ऑटो, वो पड़े आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एक ट्रायंगल सा होगा, बस उसे डाउनलोड करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद सेफली आपको सिंपली अपना फोन हर बार ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है, मतलब अमूमन आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्लिक करने की, बट फिर भी आपको क्लिक करना पड़ेगा किस पे, या तो जो ये वीडियो वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना, या तो इस पे क्लिक करना ब्लूटूथ पे, और जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है ना इस पे जिस पे रिमोट सा बना हुआ है इस पे क्लिक करना, तो फिर आपका भी कनेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी टेंशन। तो आपको मैंने दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया होगा, मिलेंगे आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, समय मेरा भी रखना, मगर हाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है तो तसल्ली से करना जब भी करोगे, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करो, अगर पेन ड्राइव से करो तो पेन ड्राइव हिलना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे कंडीशन है उसके लिए भी, तो बी सेफ, बी अ सेफर साइड, बिल्कुल गाड़ी पार्क करना आराम से, गप्पे शप्पे मारने के लिए बंदा साथ रखना, लेज वगैरह पिज्ज़ा शिज़ा रखना खाना आराम से, मगर टाइम लगने वाला है क्योंकि मेरे को भी लगा, तो आफ्टर दैट आपका काम हो जाएगा, आपका एंड्रॉइड ऑटो जो मतलब आपका जो ये सिस्टम है म्यूजिक सिस्टम वो अपडेट हो जाएगा और आप वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो यूज कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे आपके साथ कैसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ध्यान रखना साथ में मेरा भी रखना, मिलेंगे आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।